नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। असम में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। श्रीनगर से खाड़ी देशों के लिए आज से शुरू होगी सीधी विमान सेवा, 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा दुबई। 29 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, हंगामेदार होने के अनुमान। सीरिया में अलकायदा के वरिष्ठ नेता अब्दुल हामिद अल मातर की मौत, अमेरिका ने हवाई हमले में किया ढेर। अमेरिकी एक्टर एलेक बाल्डविन ने फिल्म सेट पर गलती से चलाई गोली, सिनेमेटोग्राफर की मौके पर मौत। रूस में सामने आए डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट, डेल्टा की तुलना में 10% ज्यादा संक्रामक। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे जारी, शुद्ध लाभ 43% बढ़कर 13,680 करोड़ रुपए पर पहुंचा। G20 वर्ल्ड कप में मुदस्सर नजर, बोले मैच विनर है रोहित शर्मा, पाकिस्तान टीम को रहना होगा सतर्क। NCB पर आर्यन खान का आरोप, मुझे फंसाने के लिए एजेंसी कर रही है मेरे व्हाट्सएप चैट का गलत इस्तेमाल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।